दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखाई थी डबुआ पाली रोड से। संजना टूल नाम से एक कंपनी थी जिसमें पिस्तौल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये लूट के आरोपी हैं, तीन आरोपी हैं जिनको क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने गिरफ्तार किया है और इनको आज ACP के पास पेश करने वाले हैं। प्रेस वार्ता होने वाली जिसमें पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि मुख्य आरोपी कौन था और इनके जो साथी हैं, दो और साथी हैं, ये लोग कहां से हैं, तीनों का लिंक क्या है, हर चीज़ की जानकारी आपको लाइव देने वाले हैं ACP क्राइम अमन यादव। तो फिलहाल तीनों आरोपी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनको ACP के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद पूरे मामले का। सर आ जाइए, आ जाइए सर, आ जाइए। तो तीनों को ले जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तीनों को ले जा रहे हैं ACP के पास और अभी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ये तीनों आरोपी हैं जिन्होंने कंपनी में घुसकर कट्टे के दम पर, पिस्तौल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये देखिए, एक आरोपी ये है, एक आरोपी ये है, एक ये है, तीन आरोपी है और तीनों को पकड़ लिया गया है और ACP के पास लाए हैं। ACP साहब पूरे मामले का खुलासा करने वाले हैं। ACP अमन यादव, क्या मामला है, किसको पकड़ा है, क्या केस था? 21 जून 2023 को पाली डब्बा जो रोड है वहाँ पे एक फैक्ट्री है संजना टूल्स के नाम से, वहाँ पे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था कुछ नॉन अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा, जिसके अंदर वहाँ से पैसे की लूट की गई थी। जो फैक्ट्री थी उसके अंदर कॉपर वायर्स से रिलेटेड काम था, तो जो कॉपर वायर्स के बदले उससे वो वहाँ से लूटे गए थे। साथ ही जो फैक्ट्री ऑनर था उसके बाद मारपीट की गई थी, उसकी स्कूटी ले ली गई थी और उसका मोबाइल लिया गया था और जो वहाँ पे CCTV कैमराज लगे हुए थे उनका DVR भी वो साथ लेकर के चले गए। तो ये ब्लाइंड केस था, उस टाइम पे अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो हमारी क्राइम टीम सेक्टर 48 सब इंस्पेक्टर राकेश जिसके इंचार्ज हैं उनको सौंपी गई थी। तो टीम ने लगातार 10 दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसमें 2 जुलाई को दिल्ली भाटी माइंस एरिया से 3 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्यूज का नाम है कृष्णा पुत्र बालकिशन जो उत्तर प्रदेश हाथरस का रहने वाला है और ये पहले इस कंपनी के अंदर 1 साल पहले एम्प्लॉई रहा था, पुराना उनका एम्प्लॉई है। दूसरे आरोपी का नाम शैलेंद्र कुमार है जो UP गोरखपुर का रहने वाला है। इसके अलावा इरशाद और सनी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा जो है ये रोहतक का रहने वाला है। इनके अलावा इनका चौथा साथी सौरव था जिसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी आगे गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से हमने जो लूट की गई थी उसके अंदर 10,000 रुपये बरामद किए गए हैं और 2 कोयल कॉपर के जो सेट थे जो इन्होंने चुराए थे वो बरामद किए हैं। एक स्कूटी जो इन्होंने वहाँ से लूटी थी वो स्कूटी बरामद की है। CCTV का जो DVR था वो बरामद किया गया है और 5 दिन का पुलिस रिमांड इनका लिया गया था। रिमांड के दौरान ये सभी रिकवरी इन सभी से की गई। इनमें शैलेंद्र और कृष्णा का पुराना जो है क्राइम रिकॉर्ड है। शैलेंद्र पहले भी 38 साल का है और उसमें वो लगभग 8 साल जेल में काट चुका है और अभी 2 महीने पहले ही जेल से वो वापस आया था, बाहर आया था और उसके बाद उसने इस घटना को प्लान करके और ये नई वारदात को अंजाम दिया था। 2 महीने पहले क्या केस था वाला सर? ये लूट के केस के अंदर ही पहले चोरी लूट और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इन्हीं में लगातार शामिल रहा है। जो शैलेंद्र जिसको मैं बता रहा हूँ जो पहले भी 8 साल जेल काट चुका है और यही मास्टरमाइंड था, इसी ने आकर के कृष्णा जो कंपनी का पुराना एम्प्लॉय था उसको साथ लेकर के प्लान किया। तो कैसे मुलाकात हुई, कैसे कोई पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, कौन हैं, कैसे मुलाकात हुई? नहीं, इनकी पुरानी कोई मित्रता नहीं है, हाल ही में इनकी मुलाकात हुई थी और जिसमें इन्होंने प्लान किया। किस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब जाना कैसे ही ना एक दूसरे को, कोई कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो रहा होगा? इनकी पुरानी कोई आपस में रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं थी, इनका यहाँ पे फरीदाबाद में आने के बाद ही आपस में मुलाकात हुई। सर स्कूटर लेकर भाग गए थे? स्कूटी लेकर के चले गए।
स्कूटी इनके पास ही थी, साथ लेकर के गए थे, इन्हीं से रिमांड के दौरान इन्हीं से बरामद की। और उसका फोन जो फेंक दिया था कहीं रास्ते, वो भी बरामद किया गया। इन्होंने इसी मालिक को क्यों चुना, फैक्ट्री मालिक को? क्योंकि कृष्णा वहाँ पे पहला काम कर चुका था, उसको फैक्ट्री का पता था कि फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉई हैं, कहाँ पे कॉपर रखा होता है, कहाँ पैसा रखा होता है, तो इसीलिए शैलेंद्र ने कृष्णा को इसमें अपने साथ शामिल किया क्योंकि उसको पहले से इस चीज का अंदाजा था। फैक्ट्री मालिक को उन्होंने बंधक भी बनाया था जी, फैक्ट्री मालिक को लूट के बाद जाते हुए उसको बांध करके वहाँ पे बांध करके छोड़ दिया। हथियार लूट में जो प्रयोग किया था वो अभी हमें बरामद करना भी बाकी। डीवीआर जो घटना स्थल पे फैक्ट्री के अंदर जो डीवीआर लगा हुआ था वह आरोपियों से मथुरा में, जहाँ पे यूपी मथुरा से डीवीआर बरामद किया, साथ ले गए थे जी, साथ ले गए। लूट की वारदात में कितने लोग शामिल थे, कितने गिरफ्तार किए? टोटल चार लोग शामिल थे जिनमें से तीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक को भी गिरफ्तार किया। तीनों एक जगह से गिरफ्तार किए गए, ये दिल्ली भाटी माइन से गिरफ्तार किए। इनकी एजुकेशन क्या है? ये कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, एक इनमें से 23 साल का है, इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक की उम्र लगभग 24 साल है, और जो शैलेंद्र है वो 38 साल का है, और कोई भी इनमें से रोजगार में लगातार एम्प्लॉयड नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इनमें से। इन्होंने गाड़ी प्रयोग की होगी ले जाने के लिए? नहीं, इन्होंने कोई इन्होंने ये कोई गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, एक स्कूटी के ऊपर ही आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए, और एक स्कूटी यहाँ से लेकर गए। इरशाद का मैंने बताया मास्टरमाइंड है, इन सभी में उम्र में भी सबसे बड़ा नहीं, इरशाद जो है, इरशाद और सनी ये रोहतक का रहने वाला है, इसका पहले का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। इरशाद बेसिकली स्टोरी राइटिंग का काम करता है, और वो इन लोगों के साथ शामिल हुआ था कि सच में लूट की वारदात किस तरीके से अंजाम दी जाती है, और उसका रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए वो इनके साथ इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हुआ था, लूट को अंजाम देने में शामिल वो रहा। उसका मकसद जितना जो अभी पूछताछ में पता लगा, वो चाहता था कि पता लगे कि लूट के अंजाम, जो कोई भी लूट को अगर वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उसमें ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, कैसी चोरी लिखता है। जी इरशाद किस तरह की स्टोरी लिखता था? इरशाद किसी भी रेगुलर स्टोरी राइटिंग का काम करता था, तो अब वो फिलहाल क्राइम के ऊपर कोई स्टोरी लिखना चाह रहा था। तो किसी अखबार से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ नहीं, है? किसी अखबार से नहीं जुड़ा हुआ, वो फ्रीलांस राइटिंग करता है। बुक वगैरह छपी है क्या? नहीं, कोई फिल्म वगैरह में कोई नहीं, नहीं, वो फ्रीलांस अपनी राइटिंग करता है। कुछ से लिखे हैं, कुछ स्टोरी जिसे बताइए हम, कुछ खुद की, वो अपनी शौक के लिए स्टोरी राइटिंग करता है, कुछ लिखी है, कहीं छपी है। सर कृष्णा कौन है? कृष्णा कौन है? आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? अभी इनका रिमांड पूरा होने के बाद इनको जुडिशियल कल भेज दिया जाएगा, और जो चौथा एक्यूज बचा है सौरभ, उसकी गिरफ्तारी हम शीघ्र ही करेंगे। तो साथ तुम्हारी स्टोरी कहाँ रुकेगी अब जाकर के, ये जो तुम लिख रहे थे स्टोरी, 7 साल के लिए कुछ अनुभव हुआ कि नहीं? तो आपने देखा, हमने जो लाइव दिखाया था, आरोपी पकड़ लिए गए, तीन लुटेरे पकड़े गए हैं, और तीनों के नाम बता दिए हैं। मैं बता देता हूँ इनके नाम क्या है। कृष्णा नाम है, पुत्र बाल किशन, निवासी गांव फरसोटी, थाना मुरसान, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। आइए बाहर चलते हैं। और एक और जो आरोपी है, शैलेंद्र कुमार उर्फ पहलवान, पुत्र सुभाष चंद्र, निवासी गांव पलही पार, बाबू थाना। और तीसरा है इरशाद उर्फ सनी, पुत्र सिराजुद्दीन उर्फ राजू। ये तीन आरोपी हैं जिसको पकड़ा है क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने, और एसीपी क्राइम अमन यादव ने अभी पूरे मामले का खुलासा किया, आपको बताया, और तीनों की पहचान भी बता दी। आप लोग देख रहे हैं तीनों आरोपी हैं, और तीनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं ऐसा बताया है, जिसमें शैलेंद्र और कृष्णा का पहले से भी आपराधिक हिस्ट्री रही है। इरशाद स्टोरी राइटर है जो पहली बार क्राइम में आया, ऐसा बताया गया है। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। डबुआ पाली रोड पर संजना टूल्स नाम से कंपनी है, जिसमें दिन दहाड़े कंपनी में घुसकर पिस्तौल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कंपनी मालिक को बंधक बना लिया था, लेकिन अभी इस मामले का करीब करीब पर्दाफाश हो चुका है। एक आरोपी रह रहा है जिसकी गिरफ्तारी बकाया है, और जिसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा एसीपी साहब का कहना है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, उसकी तलाश में लगी पड़ी है। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।